बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर है हमारा N5 और टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, इससे पहले लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है और इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन, दूसरा है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन। और इसके साथ ही बाज का एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द काज एंड इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए करना है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के सबसे पहले करते हैं डेफिनेशन। क्लास, मैंने यहां पर एक छोटी सी डायग्राम बनाई है और इसमें मैंने एक ग्रीन हाउस शो किया है। यानी आपने देखा होगा बाज का जो सब्जियां वगैरह या ग्रो किए जाते हैं ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो ऊपर छत होती है ना, वो ग्रीन कलर की होती है। बेसिकली ग्रीन कलर की इसलिए होती है कि जो सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी को वो उसमें से, उस ग्लास में से पास हो जाता है और फिर वो जब लाइट पास हो जाती है तो नीचे जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वो ग्रीन हाउस ग्लास जो होता है वो उस हीट को उस इन्वायरमेंट से बाहर, यानी उस स्ट्रक्चर से बाहर जो है वो एस्केप नहीं होने देता और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ठीक इसी तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर भी एक लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की और डिफरेंट गैसेस की, जो कि सनलाइट को पास होने देते हैं, लेकिन जब वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर का, तो लेकिन ये गैसेस जो हैं, ये जो एक लेयर है, ये हीट को दोबारा बाहर नहीं जाने देती, जिससे उस इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं, इस इफेक्ट का नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट है और इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाना, क्यों बढ़ जाना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एक लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की जो सनलाइट को आने तो देती है लेकिन दोबारा से हीट को या लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन को या अल्फ्रा रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देती, जिससे उस एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर हो गया क्लास? तो सबसे पहले करते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? द इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू अकमुलेशन ऑफ द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच अलाउ टू पास सनलाइट, सनलाइट को पास होने देते हैं, एंड ऑब्जॉर्ब एनर्जी एंड डज नॉट अलाउ टू एस्केप हीट, लॉन्गर वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन, वी कैन से दैट अल्ट्रा रेड रेडिएशन कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी दोबारा देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर का बन जाना जो सूरज की रोशनी को पास तो होने देते हैं लेकिन जब वो हीट री रेडिएट होती है तो वो लेयर जो है उसको दोबारा स्कैप आउट नहीं होने देती। उस इस इफेक्ट की वजह से जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? इसी के साथ हमारे पास, मैंने अभी ग्रीन हाउस ग्लास की बात की थी, तो मेरे पास ये ग्रीन हाउस ग्लास बना हुआ है, इसमें डिफरेंट हमारे पास प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं या हमारे पास सॉयल है और ये हमारे पास है सन और यह है ग्रीन हाउस ग्लास। अब ग्रीन हाउस ग्लास, ये जो सनलाइट होगी वो इसमें से पास हो सकती है, मतलब इस ग्रीन हाउस ग्लास में से पास सनलाइट पास हो जाएगी और इसे क्या होगा, जो हीट है वो इंक्रीज हो जाएगी या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और उसमें से कुछ जो है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा, कुछ जो है वो सॉयल को हीट अप करेगा, रिमेनिंग जो होगा वो री रेडिएट होगा। अब जो री रेडिएट होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन यहां से पास नहीं हो सकती। जब पास नहीं होती हैं तो हीट इसके अंदर ही रह जाती है और डेफिनेटली टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी के साथ ही हमारे पास है वर्किंग ऑफ ग्रीन हाउस, इसकी थ्योरी से रिलेटेड।
द लाइट रेज पेनिट्रेट द ग्लोब ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस, यानी सन रेजेस पास हो जाती हैं, अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स एंड सॉयल, प्लांट्स और सॉयल से अब्सॉर्ब भी हो जाते हैं, एंड री रेडिएट एज लॉन्गर वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर हीट, बट ग्लास नॉट अलाउड टू स्कैप आउट द हीट, लेकिन ये ग्लास हीट को बाहर नहीं जाने देता है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक हो गया। और इससे क्या होगा, सर्दियों के अंदर भी जो अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बहुत लो है, सर्दी है तो टेम्परेचर लो है, तो ग्रीन हाउस की इफेक्ट की मदद से वो वहां पर जो सनलाइट होगी उसको पास होकर अंदर तो चली जाएगी लेकिन बाहर नहीं जाएगी, तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस ग्लास की तरह एक्ट करती है और ये सनलाइट को पास होने देती है, जबकि री रेडिएशन या जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है या हीट को उस एटमोसफेयर से बाहर नहीं जाने देती। अबाउट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स ओशंस, बट रेस्ट इज ग्रेजुअली अकमुलेटेड इन द एटमोसफेयर। हाफ या ज्यादा, इससे भी ज्यादा जो है वो अब्सॉर्ब हो जाती है प्लांट्स की निस्बत प्लांट से, लेकिन अब जो अब्सॉर्ब नहीं हुई प्लांट्स के प्लांट्स ने अब्सॉर्ब नहीं किया जिसको, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ग्रेजुअली अकमुलेट होती जाती है और इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव लाइक अ ग्रीन हाउस ग्लास। हाउ इट अलाउ टू पास सनलाइट बट डज नॉट अलाउ टू स्कैप आउट एंड रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे क्या होगा, वो जो लेयर होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वो जब पास होने देगी हीट को लेकिन री रेडिएट नहीं होने देगी, तो उससे एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहां से आती है, तो हमारे पास मेजर जो काजेज हैं, ओवर अर्बनाइजेशन, क्योंकि लोगों की आबादी जितनी बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ती जा रहेगी, क्योंकि रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म से भी, इसके अलावा बहुत सारी वजूहात की, जितने ज़्यादा एनिमल होंगे, जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव होगी। इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाए, जंगलात रिमूव हो जाए, तो क्योंकि वो जंगलात या दरख्त जो है या प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने वाली चीज़ें या प्लांट्स हम रिमूव कर देंगे तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसके साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत सारी फैक्ट्रियों के अंदर कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल्स ये जलाए जाते हैं और इनसे हीट प्रोड्यूस की जाती है, और हम जानते हैं जलने के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, और वो टेम्परेचर, वो क्या होगा, इससे डेफिनेटली क्या के जो सनलाइट है वो उसमें से पास तो हो जाएगी लेकिन बाहर नहीं जाएगी, तो डेफिनेटली टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। इसके साथ ही बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल में हमारे पास है कॉल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, क्लियर। उसके बाद क्लास नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्लोबल, उस इफेक्ट का नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, यानी जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट आर ग्लोबल वार्मिंग, के ग्लोबल वार्मिंग का या ग्रीन हाउस इफेक्ट का नुकसान क्या है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जो एटमॉस्फेयर है इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो इससे ये हो रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं, जो पोलर आइस कैप्स हैं, या वो जगह जहां पर बर्फ बर्फीले इलाके हैं, पोलर रीजन जो है, वहां पर जो बर्फ है वो मेल्टिंग हो रही है और उसका जो वाटर है वो फ्लडिंग की फॉर्म में जो है वो
समंदरों के अंदर जा रहा है और ओशंस का जो लेवल है वो इंक्रीज हो होता जा रहा है, और इससे इफेक्ट क्या होगा कि जो गहरे आइसलैंड हैं वो पानी के अंदर डूबते जा रहे हैं, जैसे मालदीव की एग्जांपल आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। इसी तरह से हमारे पास है द एस्केपिंग हीट मे कॉज मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, और मेल्टिंग आइस कैप्स और ग्लेशियर्स हो जाए कि जो है वो उसका जो पानी होगा वो क्या होगा, ब्रिंगिंग फ्लड्स, और फ्लड की फॉर्म में वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसके साथ ही हवा का जो एक हवा की जो ड्यूरेशन होती है, हवा का जो करंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है, और पानी का जो डायरेक्शन होता है वो फ्लडिंग, वो करंट्स, वो उनका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता जा रहा है, चेंजिंग द पाथ ऑफ द मेजर एयर एंड ओशन करंट। और इसके साथ ही मैंने अभी आपको बोला था कि जो पानी जो जाएगा समंदरों के अंदर तो उससे जो सी लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो सी लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, दिस इज आल्सो द इफेक्ट। और जो टाउन हैं, जो कह सकते हैं जो गहरे टाउन मतलब सतह समंदर के थोड़े से ऊंचे हैं, जब सतह समंदर ऊपर जाएगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा, सिंकिंग ऑफ कोस्टल टाउन, और जो साहिले समंदर के इलाके होते हैं वो डूब जाएंगे। और नेक्स्ट है चेंजिंग ग्लोबल वेदर कंडीशन, और ये क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दुनिया के जो ग्लोब टेम्परेचर की एक जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा, तो इसको भी हम कह सकते हैं, ये भी हमारे पास, इट इज़ आल्सो द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर हो गया, तो क्लास यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।